हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णदास माजी। आज हम लोग इसी वीडियो में जो जो बच्चे क्लास टेंथ में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो वो लोग इस लास्ट एक डेट शीट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, डेट शीट रिलीज हो चुका है तो इस एक महीने में कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो 100 में आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, मीन्स आप बहुत स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो, ये बात याद रखिएगा। आपका थोड़ा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है इसलिए आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथ्स लिए है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में सभी को 80 में 80 और दैट इज़ 100% मार्क्स कैसे आप लाएंगे इस जस्ट एक महीना में, उसका ही हम ट्रिक बताएंगे। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जाम के पहले वाला दिन पढ़ाई करते हैं, सारे फार्मूलाज रटते हैं। नहीं, मैथमेटिक्स में अगर 80 में 80 या फिर 100% मार्क्स लाने के लिए आपको मेरा अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको बता देंगे कैसे पढ़ाई करना है 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए। ये आपको डिटेल्स में समझाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आप क्या आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल का बुक पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी कर रहे हैं या फिर सैम्पल पेपर कर रहे हैं? नहीं, एक महीना में ये बहुत गलती कर रहे हैं आप, मेरा मानिए। क्योंकि आप देखिए आरडी शर्मा में इतना शाम से अगर सारे करेंगे तो बिल्कुल आपको 100% मार्क्स नहीं आएगा। आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों, साम्स करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा? नहीं स्टूडेंट्स, आप मेरा बात अच्छे से सुनिएगा कि कैसे पढ़ेगा। आप सिर्फ सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है वो सैम्पल पेपर पहले आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर फोटोकॉपी बना लीजिए। उस सैम्पल पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चंस है उस टाइप का साम्स आरडी शर्मा, चाहे सैम्पल पेपर चाहे दूसरा आपका एनसीईआरटी चाहे दूसरा बुक में, उस टाइप का क्वेश्चंस जो जो आपको मिलेगा दिखेगा उस टाइप का साम्स आपको करना है ना। आप एक साथ डिटेल्स में सारे साम्स नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, क्योंकि टाइम नहीं है। आप लोग आपका नॉलेज बाद में भी आप गेन कर सकते हैं, बट आपका सामने बोर्ड एग्जाम है तो एक महीना में 100% मार्क्स लाने के लिए तो एनसीईआरटी से आपको बता देते हैं 80 मार्क्स में एनसीईआरटी से 50 से 55 मार्क्स स्टैंडर्ड मैथ्स में कॉमन आएगा। 50 से 55 मार्क्स 80 में आउट ऑफ 80, आप समझ रहे हैं मेरे बात। तो आप एनसीईआरटी से ऐसे एकदम डिटेल्स में पढ़िए, एकदम अच्छा से डिटेल्स में पढ़िए तो आपका एनसीईआरटी, आई होप आपका एनसीईआरटी अभी तक फिनिश हो चुका है, नहीं हुआ तो कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है तो नहीं भी लगेगा। तो नेक्स्ट आपको बता देते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जिस टाइप का, देखिए फोकस करना है छोटे छोटे चैप्टर पहले कवर करिए, छोटे छोटे चैप्टर। आप बोलेंगे कौन से छोटे छोटे चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स में मीडियन, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीडियन कर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मीडियन रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है, ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स में मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब टेबल दिया रहेगा उसमें F1 F2 दिया रहेगा, वो F1 F2 का वैल्यू कैसे निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम अच्छा से करके जाइएगा। तो स्टैटिस्टिक्स आपका फार्मूलाज अच्छे से करिएगा, मीडियन छोड़ के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी दे सकते हैं क्योंकि बिग क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो आएगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी दे सकते हैं और मीन भी दे सकते हैं, बट चांस है मीडियन तो देगा ही 100%, उससे और एक साम्स एक्स्ट्रा दे ही सकता है। तो पहला टारगेट होगा आपका स्टैटिस्टिक्स, तो ऐसा प्रैक्टिस करिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए कि स्टैटिस्टिक्स का आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा आपका प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एकदम एक जैसा एटलीस्ट एटमोस्ट वाला जो प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी में, देखना मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियोज़ है उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट वाला बहुत सारा प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम कॉइन प्रॉब्लम आ चुका था, इस बार इसलिए कार्ड प्रॉब्लम, प्लेइंग कार्ड होता है ना, ताश बोलते हैं आप लोग, तो ताश वाला प्रॉब्लम आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताश वाला रिलेटेड प्रॉब्लम। आप इसके बाद बॉल्स प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम इस बार के लिए बहुत ही, या डाइस प्रॉब्लम, ओके, डाइस प्रॉब्लम भी है मेरा वीडियोस में आप देखिए। तो दोनों चैप्टर पहले सिक्योर करिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फेवरेट मतलब इजी चैप्टर है, हमको लग देखिए सभी चाहते हैं कम मेहनत ज़्यादा मार्क्स, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बच्चे छोटा छोटा गलती कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छा से, क्योंकि दो टाइप का साम्स होता है कंस्ट्रक्शन में, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होता है और एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बोलेंगे कौन सा चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखिए ट्राइंगल चैप्टर में बीपीटी थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ
थालेस थ्योरम, दैट इज बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस टाइप का साम्स आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो ये थ्योरम तो हर एक बार एक, और सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम है, दो ही तो थ्योरम है, सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम अच्छा से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर में देखिए आपको बता देते, जो लास्ट ईयर कोलिनियर या एरिया ऑफ ट्राइंगल रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुका है, तो इस बार आपका इंटरनली डिवाइड जो फार्मूला है, सेक्शंस फार्मूला बोलते हैं या मिड पॉइंट फार्मूला, इस टाइप का साम्स आ सकता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से पढ़िएगा। और रियल नंबर चैप्टर में देखिए चैप्टर 1-5 का सजेशंस, जो आप अगर स्टैंडर्ड मैथ्स का स्टूडेंट हो चाहे फिर बेसिक्स मैथ्स का स्टूडेंट हो, ठीक है, उसके लिए हमने सजेशंस बनाया है, वो आई बटन में ऊपर में देखिए आई बटन है इस जगह पे, उसमें क्लिक करके देखिएगा, उसमें आपको चैप्टर 1-5 का सजेशंस मिलेगा। और आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ में आपको शायद दिक्कत होगा, आइडेंटिटी कोई भी अननोन साम्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसे करेंगे, उसका एक वीडियोज हमने बनाया है। और टॉप 5 साम्स ऑफ 2020, मतलब सीबीएसई 2020 में जो टॉप 5 ट्रिग्नोमेट्री का साम्स है जिससे एक क्वेश्चन आने वाला है 100%, तो ट्रिग्नोमेट्री वो मिस मत करिए। मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस अवेलेबल है, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए जाइएगा, तो मेरा क्लास 10th वाला फोल्डर में आपका सारे वीडियोस अवेलेबल है। उसके बाद बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज तो आएगा ही, उसका सजेशंस भी हमने दे दिया है, आप देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर रह गया है, आप बोलेंगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो बहुत इजी एक एक्सरसाइज है, बहुत इजी चैप्टर है, तो इससे जे आप अगर स्टैंडर्ड मैथ्स का स्टूडेंट, आप तो स्टैंडर्ड मैथ्स का स्टूडेंट्स है, तो आपका एनसीईआरटी बुक से आई होप हमको लग रहा है कि उतना इंपॉर्टेंट साम्स नहीं है एनसीईआरटी छोड़ के, क्योंकि जो इजी होता है हमेशा याद रखिएगा, जो इजी चैप्टर होता है उससे बुक से बाहर साम्स आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितना एरिया रिलेटेड टू सर्कल का साम्स है वो सारे कर लीजिएगा। हमेशा याद रखना कि किसी भी तरह आप दूसरा बुक इस टाइम में नहीं पढ़ेंगे, इस कुछ दिनों में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद प्रीवियस जो सैम्पल पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करिए, देखिए जो साम्स आया है उस टाइप का आपको साम्स करना है, तभी आप 100 में 100 ला सकते हैं।